बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल रोहित। राहुल गांधी उद्या सूरतच्या कोर्टात हजर होणार। या विषयावर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की वारंवार मागासलेल्या समाजाचा अनादर करून माफी मागत नाही। राहुल गांधीची काय मजबुरी आहे, त्यामुळे राहुल गांधींवर देशात अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल आहेत। गेल्या 3 वर्षांपासून हा खटला सुरू होता। त्यांना हवी असती तर त्यांनी माफी मागितली असती, पण ज्या दिवशी निकाल आला त्याच दिवशी राहुल गांधी म्हटलं आहे की मी गांधी आहे, मी माफी मागणार नाही। राहुल गांधींनी कधीच सावरकरांची माफी मागितली नाही, आदर केला नाही। राहुल गांधींनी नेहमीच देशाच्या लोकशाहीच्या विरोधात परदेशी लोकांचा पाठिंबा मागितलाय। पिछड़े समाज का बार बार अपमान करना, अपशब्द बोलना, ये राहुल गांधी जी का अहंकार है, जो पिछड़े समाज से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी क्या मजबूरी है राहुल जी कि आप पिछड़े समाज को अपमानित तो करते हैं लेकिन माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं होते। अगर राहुल गांधी जी ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में लिखित रूप में माफ़ी मांगी और उसके बाद भी दुष्प्रचार करने से नहीं हटे, झूठ बोलने से नहीं हटे, तभी तो देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं अवमानना के, और 7 केसेस में वो बेल पर हैं, जमानत पर हैं। तो देश को ये भी जानना जरूरी है कि राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के मामले में भी बेल पर हैं और अवमानना के मामले में भी साथ में बेल पर हैं। तो देखना यह है, राहुल गांधी जी ने एक बार पहले माफ़ी मांग चुके हैं, अब कितनी बार और मांगेंगे? पहले हो सकता, क्या वो पिछड़े समाज से माफ़ी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? ये स्टेप जो है पहले हो सकता था, इसके पहले अगर माफ़ी मांग लेते, चैलेंज कर लेते तो इतनी राजनीति नहीं होती। देखिए, जब उनका मुकदमा चल रहा था, 3 साल से मुकदमा चल रहा था, उनके पास अवसर थे, पिछड़े समाज से माफ़ी मांग सकते थे, कोर्ट में जाकर भी माफ़ी मांग सकते थे। आखिरी दिन जिस दिन निर्णय हुआ, ऑर्डर आया, उस दिन भी उनसे कहा गया कि आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो आपने सुना राहुल जी ने कहा था गांधी हूँ, गांधी माफ़ी नहीं मांगते। अब कौन से गांधी कोर्ट जा रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अहंकार किस बात का है? आप सावरकर जी को नीचा दिखाने का काम करते हो, आप सम्मान तो सावरकर जी का नहीं कर पाए, लेकिन अपमान करने में राहुल गांधी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या मतलब था इनका कि मैं सावरकर नहीं? अरे आप सावरकर हो भी नहीं सकते, ना आपने तप किया है, ना त्याग दिया है, ना आप देश के लिए जीना चाहते हो, आप तो विदेशी ताकतों के साथ विदेशी धरती पर विदेशी सरकारों का सहयोग भारत के लोकतंत्र के खिलाफ मांगते हो, जबकि सावरकर जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया था। राहुल सावरकर हो ही नहीं सकते। वेज नॉन वेज जेवण मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल रोहित। चवीला टेस्ट, हॉटेल रोहितचे जेवण बेस्ट। बर्थडे पार्टी, कार्यक्रम, विविध पार्टीचे ऑर्डर्स ही स्वीकारले जातील। ग्राहकांसाठी खास पार्सलची सोय। आमचा पता हॉटेल रोहित, दादर रस्ता अपोजिट कारीगर पेट्रोल पंप, सोलापूर।